अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि आज यहाँ कश्मीर में बॉलीवुड के 24 मेंबर्स डेलीगेशन आई हुई है जो एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ प्लेसेस को। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा रहा अभी तक। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। हम अभी दो दिन से यहाँ पे है, मैं पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा इस टाइम बहुत देखने को मिला हमें, पूरा ऑर्गेनाइज था। और मैं बेसिकली एडवर्टाइजिंग से हूँ, तो हम सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हम एड फिल्म बना सकें बहुत अच्छा होगा। तो मेरा एक अभी बात करूंगा जाके वापस में कि जब बॉलीवुड की फिल्में बनाने के लोग यहाँ पे आएंगे तो हम पिगी बैक करके उनके साथ आ सकते हैं कि उनके स्टार्स यहाँ पे होंगे वैसे भी फिल्म शूट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आके अगर वहाँ पे शूट करें एड फिल्म्स तो दोनों काम हो जाएंगे साथ में। तो मेरा प्लान ये चल रहा है अभी। जैसे आपने बताया कि हम दो दिन से ही भी यहाँ पर है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे लोग आपके यहाँ के लगे? जो लोग तो पहले मिले थे बहुत अच्छे लोग थे सब, फैंटास्टिक। अब दो दिन से हम लोग, पहले दिन तो यहीं पे गुजारा हमने श्रीनगर में, फिर कल हम लोग जाके आए ऊपर सेकंड लेवल तक जाके आए वहाँ पे, एंड इट वाज फैंटास्टिक। अभी हम तो मार्केट में गए नहीं है, लेकिन मैं जब पहले दिन आया यहाँ पे तो उस रात को मैं और संजीव कपूर जो हम पुराने दोस्त हैं तो हम लोग साथ में लोकल खाना खाने निकले। तो हम लोग कहीं गली गली में जाके वहाँ पे हमने जाके वहाँ पे कहीं पे कबाब खाया, कहीं पे और कुछ खाया, बहुत मज़ा आया। सर डू यू थिंक बॉलीवुड जो है कहीं टाइम से लाइक शशि कपूर का दौर अगर हम देखें उस टाइम लव स्टोरी ज़्यादा चलती थी कश्मीर की, लेकिन उसके बाद एक चेंज आया लाइक मिशन कश्मीर, हैदर जैसी मूवीज़ एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाने लगा बॉलीवुड, वो एक क्या लगता है कि रियल फेस नहीं दिखा पा रही? तो यही मेरे ख्याल से जो यंग डायरेक्टर्स जो हैं अभी तक तो पिछले समझो 8-10 साल में जो कर रहे फिल्में यहाँ पे, तो वो सिर्फ वो चीज़ दिखा रहे हैं कि आर्मी इंसर्जेंसी। तो अब अगर ये बताओ या सिर्फ टेररिज्म दिखाओ, कॉन्फ्लिक्ट दिखाओ, इसके बदले कुछ अच्छा दिखाएं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा और ये शुरू हो जाएगा अभी। यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो पर्टिकुलरली कश्मीर के टैलेंट है उनके लिए क्या? मेरा मैसेज एक ही है कि जैसे अभी किसी ने कहा अभी मीटिंग जो हुई वहाँ पे कि लोकल जो टैलेंट है वो डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में हो या एडवर्टाइजिंग हो, लोकल टैलेंट जो होती है कि मतलब फिल्म मेकिंग में हो, कैमरा में हो, सेट मेकिंग में हो या बाकी जो प्रोडक्शन की चीज़ें रहती हैं, तो अगर यहाँ के यूथ अगर वो सीख जाएं तो यहाँ फिल्में बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमने एक मैंने एक यशराज की फिल्म में काम किया था, तारा रामपम फिल्म में, तो हम लोग 25 दिन तक हम लोग अमेरिका में थे, तो वहाँ पर उनकी बेसिक छोटी सी टीम थी यशराज की, बाकी सब लोग जो थे वो वहाँ के लोग थे, स्टंटमैन वहाँ के थे, एक्शन डायरेक्टर्स वहाँ के थे, तो फिर ऐसे काम करने में बहुत सुविधा होती है। तो मैंने और एक फिल्म की ट्राइलिंगुअल फिल्म की हिंदी तेलुगु और तमिल कमला हासन जी के साथ, तो वो हमने हॉलीवुड में शूट की, तो वहाँ पे हम लोग एक्टर्स छोड़ के और कोई बेसिक जो DOP एक था वो छोड़ के बाकी सब लोग हॉलीवुड के थे, मेकअप वाले वो सब थे। तो अगर कश्मीर के जो यूथ हैं, जो टैलेंटेड यूथ हैं, वो ये सीख के अगर ये सब किसी भी फील्ड में आ जाए आगे तो यहाँ पर फिल्में बनना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के लोकल जो लोग हैं ये किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी एस्पेक्ट में फिल्म मेकिंग की कुछ ट्रेनिंग ले, सीखें, तो उनको बहुत काम भी मिलेगा और वहाँ से लोग आने के उनको सहूलियत भी होगी कि यहाँ इज ईजियर टू कम एंड शूट है। तो ये करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अभी हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, आउटसाइड कश्मीर भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगी जो आउटसाइड कश्मीर देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं कश्मीर लेकिन किसी वजह से आ नहीं पा? जी मैं अभी यहाँ से मैंने बोला कि 2-3 बार आया हूँ यहाँ पे, एंड आप जो भी समझते हैं कश्मीर है बाहर, वैसा कश्मीर नहीं है। कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो आप आजकल जो फिल्मों में देखते हो कि यहाँ सिर्फ आर्मी है या सिर्फ इंसर्जेंसी, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। हम लोग अभी बहुत घूमे, शिकारा में घूमे, हाउस बोट पे गए थे, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आना, दिस इज़ द बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन आई थिंक, कि बम्बई से हम देखते हैं 2.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे बम्बई में रहते हुए मेरे घर से अंधेरी स्टूडियो पहुंचने के लिए मेरे को 2 घंटे लगते हैं, तो उससे अच्छा कश्मीर में आना मुझे अच्छा रहेगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर यू। थैंक यू।